तेरी पीड़ा माधुरी आसु मेरा भी तोरी जला पीड़ा ना लुके। जैसी सुबह दरवाजे से बाहर निकलो, सूरज दादा हमारे आगे रहते हैं, तो मतलब मस्त विटामिन डी मिल जाता है। और अपने घर की एक अच्छी चीज दिखाता हूँ आपको मैं, तो मतलब हमारा क्या है कि जैसी हम मतलब अपने दरवाजे से बाहर निकलेंगे तो जो हमारे सामने वाले पहाड़ है, तो यहाँ से दिखता है माँ कुंजापुरी का मंदिर। तो सुबह सुबह माँ के भी दर्शन हो जाते हैं। और देखो सुबह सुबह हमारी बिल्ली सुबह सुबह मियाँ मियाँ कर रही। अप्रैल के बाद क्या आता है, चल फिर जानते। यार वैसे तो मैं नॉर्मली सुबह 7 या फिर 6:30 या फिर 6 बजे उठता हूँ जब मैं राइड पे जाता हूँ, बट आज मैं 7:30 बजे बिना राइड के उठा हूँ। एंड द रीजन इज दैट कि कल जब मैं साइकिलिंग करके घर आया था शाम को, उसके बाद मैं नहाया धोया एंड मैं तुरंत बाहर निकल गया, क्योंकि बिकॉज कल रात को मेरे दोस्तों के साथ थोड़ा पार्टी वगैरह का प्लान था। तो मैं कल स्कूटी से जा रहा था कि मेरा पेट्रोल खत्म हो गया, मतलब इतनी जल्दी हो रही थी कि मैं पेट्रोल भराना ही भूल गया। लाइफ में पहली बार ऐसे हुआ कि मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ। मैं हमेशा भरा देता हूँ पर कल जल्दी के चक्कर में मैं भूल गया, तो मैंने अपनी गाड़ी ना रास्ते में खड़ी कर रखी है कहीं। तो अभी भैया आ रहे, देन हम लोग यहाँ से बाइक में जाएंगे पेट्रोल खरीदने, देन स्कूटी में पेट्रोल भरेंगे, देन स्कूटी लेके अभी घर आएंगे। तो अभी फ्रेशन अप होके आया, उतने में भाई चाय आ गई हमारी इतनी बढ़िया बढ़िया। दोस्तों फाइनली हमारे गच्चू भैया फाइनली आ चुके हैं। और आते ये क्या मजदूरी करनी शुरू कर दी उन्होंने। तो दरअसल हमारा प्लान ये है कि हम बाइक लेके जाएंगे, जरा सेलेक्ट ये इलेक्ट्रिक स्कूटी भी लेके आ रखी है, बट हमें बाइक में जाना पड़ेगा क्योंकि मैं इसमें पेट्रोल भराऊंगा, देन यहाँ से पेट्रोल निकालेंगे। अरे यार गज्जू भैया अब दिखाएंगे हमें कि क्लास से कैसे खोलते, मुझे तो आता नहीं है ये देखो दिखा गज्जू भैया हाथ में गिर गया पेट्रोल। अच्छा तो सही है सही है, चलो बाइक लेके चलते हैं। इतने खतरनाक है, बाइक में निकल गए और स्कूटी की चाबी नहीं लाए भाई। पेट्रोल भरा दिया 250 रुपए का, क्योंकि इसमें से 100 रुपए का तेल तो हमारी स्कूटी ले लेगी। ऑलराइट दोस्तों मैं दिखाता हूँ कहाँ पे मैंने कल रात को अपनी गाड़ी रखी थी। तो ये है रायपुर का स्टेडियम। तो कल रात हम लोग इधर थानों साइड घूमने जा रहे थे, मेरी स्कूटी ना यहीं पे बंद हो गई। और वो तो अच्छा था कि गज्जू भैया और लोगों के पास कार थी, वे लोग मुझे कार में लेके गए। और स्कूटी देखो मैंने रात भर यहाँ रखी थी भाई, रिस्की जगह में स्कूटी रखी थी। हालांकि यहाँ पे लोग सुबह रनिंग करने आते ना, तो मैंने इसलिए रखी थी ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये किसी रनर की स्कूटी होगी और यहाँ पे रनिंग कर रहा है। तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा के मैंने यहाँ पे गाड़ी पार्क करी, वैसे करनी नहीं चाहिए ऐसे कहीं पे भी। तो अब देखो बाइक से हम पेट्रोल निकालेंगे, हम नहीं गज्जू टॉ निकालेंगे जो भाई, एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए यार, मेरा नुकसान हो जाएगा 5 पैसे का। ओ माय गॉड। गज्जू भाई ने हमारी बाइक से पेट्रोल चोरी करके निकाल दिया है, ये देखो भाई साहब इसको डालेंगे स्कूटी में। क्या कर रहे हो, तेज डाल, एक बारी में डाल दो यार। ये तो गज्जू भाई ने 5 रुपए का पेट्रोल गिरा दिया। अरे हो जा स्टार्ट, हो गई रे। तो जी फाइनली घर आ चुके हैं और अब मैं चलाऊंगा लाइफ में पहली बार इलेक्ट्रिक स्कूटी गज्जू भैया की। ये ऑन, हाँ ये अच्छा, ये नहीं नहीं भाई, हाँ अब रेस दे स्टार्ट। पता है अभी ना 12 बज रहे दिन के और मैं ना पिछले 1.5 घंटे से अपना नाश्ता करके यहाँ बैठा हूँ, मेरे पूरे बर्तन सूख गए। रीजन उसका ये है कि हमारी जो साइकिल रेस है फाइनली उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है गाइस। तो मेरे इंस्टाग्राम में जाके आप देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। सिर्फ 300 रुपए की एंट्री है, आओ देहरादून में रेस करो, खूब मजा आने वाला है। डिटेल्स वगैरह सब उसमें मेंशन है। अभी रेस के लिए मैंने यहाँ पे बैठे 1.5 घंटे में इतने सारे पोस्टर, इतने सारे लिंक जनरेट, मतलब 1.5 घंटे से यही काम कर रहा हूँ मैं तब से। पता है मुझे ना कुछ लोगों ने बोला भी था कि भाई टूर पे क्यों नहीं जा रहे, मैं रीजन उनको जवाब ही दे रहा था क्यों, क्योंकि भाई अभी सिचुएशन ऐसी ना कि अभी मेरे को मतलब इतनी रेस के इतने काम करने हैं, मुझे अक्षत भैया मेरी जो टीम है प्रॉपर पोस्टर प्रिंट करवाने हैं, स्पॉन्सर मीट करनी है, वॉलंटियरिंग मीट करनी है। आप लोगों में से जो वॉलंटियरिंग करना चाहेगा उनसे भी हम मिलेंगे, वो सब मैं आपको बता दूंगा। तो यार बहुत वर्क प्रेशर है अभी इसको लेके, बट फिर भी इस बीच आने वाले एक हफ्ते में मैं 4 दिन के एक छोटे टूर में जा रहा हूँ जो एक ऑर्गेनाइज टूर होने वाला है। तो साइकिल टूर आपको डेफिनेटली दिखने वाला है, बट एक जो मैं वैसे टूर करता था ना बाइक पैकिंग बड़े बड़े, वैसा नहीं होने वाला है, बट एक बहुत अच्छा टूर तो होने वाला है 4 दिन का। बट भाई रेस के लिए रजिस्टर जरूर करो, लेट्स मेक दिस इवेंट सक्सेसफुल। आप इसको रेस की तरह मत देखो, आप इसको एक फन इवेंट की तरह देखो, इसलिए हमने मिनिमल फीस रखी 300 रुपए एंड विमेन के लिए फ्री है। तो जो भी विमेन राइडर ये वीडियो देख रही है प्लीज पार्टिसिपेट करना। तो अब यहाँ पे मैं अपना ट्राइपॉड लगा के एक शूट कर रहा हूँ। दरअसल 9 अप्रैल को देहरादून में एक शहीद रन है, मतलब मैराथन है, जो NBT करके एक ऑर्गेनाइजेशन है वो एक मैराथन करा रही है। तो उसके ऊपर मुझे एक छोटा सा वीडियो बना के उन्हें भेजना है। आज आपको थोड़े से गाने वाने सुनाता हूँ। तो यार अभी मैं इंस्टाग्राम पे रील बना ही रहा था, तो तब तक मैंने कहा आपको भी सुनाता हूँ कि यार ये बहुत फेमस हमारे गणरत्न गढ़वाली सिंगर नेगी जी, नरेंद्र सिंह नेगी जी का गाना है, बहुत ही इमोशनल गाना है। तो मैं आपको सुनाता हूँ, ये मतलब आपको समझ में आ जाना है, बट आप सुन लो। तेरी पीड़ा माधुरी आसु मेरा भी तोरी जला पीड़ा ना।
चख तेरी कलजी का ढोद भी हो यख रोमी फूलू मा हिटनो तख तेरी कलजी आसुम मैंने एक तो लाइन मैंने गलत गा दी है बट ये बहुत अच्छा हमारा पहाड़ी सॉन्ग है। तो लंच हो गया भाई, अब फटाफट एडिट करता हूँ। अभी शाम के 3 बज रहे हैं और मतलब मेरा वीडियो आज 8 बजे आएगा और मैं अब एडिटिंग शुरू कर रहा हूँ, अपलोड भी करूंगा, लगा लो मतलब 3-4 घंटे के अंदर सब कुछ करना पड़ेगा मुझे। भाई ये देखो कंबल, 4 बजे एडिटिंग कर रहा था, एडिटिंग करते करते पता नहीं कैसे आंख लगी, पता नहीं चला क्योंकि फोन में लेट लेट के एडिटिंग करता हूँ ना, तो अभी शाम के 6:30 बजे उठाऊ अभी एडिटिंग करी है, 7:15 बज रहे और फाइनली अपलोड किया और अभी 8 बजे वो वीडियो आ गया। देख रहे हो भाई 45 मिनट पहले वीडियो अपलोड करके थंबनेल थंबनेल लगा के काम चल रहा है डेली ब्लॉग का भाई साहब। तो बस यार अभी शाम को काफी टाइम से चिल आउट करने नहीं गया तो अभी थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, बट उससे पहले एक अधूरा काम बचा है वो करता हूँ और वो अधूरा काम है अपनी ब्लू का पंचर ठीक करना। उसका फ्रंट टायर पंचर है ना, तो उसका टायर निकाल के अंदर ही पंचर करता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अंधेरा सा हो रखा है, बाहर शोर बहुत हो रहा है। खोलते इसका फ्रंट टायर, मैं आपको दिखा भी देता हूँ पंचर लगाते कैसे। तो बेसिकली पंचर की टाइप कोई खरीदनी पड़ती है जिसमें ये 2 टूल आते हैं जिसकी वजह से आपको अपना टायर खोलना होता है। तो इसको ये देखो ऐसा बेंड है, इसको इस तरीके से रिम और टायर के बीच में लगाना है कुछ इस तरीके से, देन सेम गोज विद द नेक्स्ट टूल ऐसे। और आई गेस इसमें ना माइनर पंचर है क्योंकि इसको 2 दिन लगे पूरी हवा कम होने में, तो मुझे ढूंढने में परेशानी हो सकती है। यो तो भाई जब मैं 4 धाम के लिए निकला था ना, तो उस टाइम मेरे पास ये ट्यूब तब से पड़ी हुई है। अच्छा हुआ मेरे घर में ट्यूब पड़ी है, ये 26 लिखा हुआ देखो क्योंकि मेरा टायर 26 इंची है सबसे छोटा, तो रालको की ट्यूब है। तो पंचर पंचर छोड़ो, सीधा ट्यूब ही चेंज करो। ये जो पुरानी ट्यूब है ना इसमें एक ही पंचर है, तो मतलब तो ये एज अ स्पेयर ट्यूब बन जाएगी। हमेशा जब भी पंचर लगाओ ना उससे पहले टायर के अंदर अपने नेकेड हैंड यानी नंगे हाथों से उंगलियों से अपने अंदर टायर के चेक कर लो कि पिन विन ना चुभी हो या फिर कुछ भी ना फंसा हो। देखो भाई जितनी भी साइकिल से वीडियो देख रहे हो ना, अगर तुम्हारा पंचर किट नहीं ना और तुम साइकिलिंग करते हो बहुत ज़्यादा, तो तुम बेवकूफ़ हो, सिंपल बात है। एक बार इन्वेस्टमेंट करनी होती है यार पंचर किट में। अब गाड़ी का पंप तो है नहीं कि आपको बहुत बड़ा पंप कैरी करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक, साइकिल का है छोटा सा पंप लो यार, 500-1000 रुपये का आता है, इसको लो और 100 रुपये की पंचर किट आती है बस। भाई टायर उछालने चक्कर में ऐसा डूम टायर उछला और सीधा ट्राइपॉड में लगा, देखो पूरा ट्राइपॉड टेढ़ा हो गया। अच्छा और ट्राइपॉड टूटा नहीं और मेन है मेरा फोन ही टूटा हुआ। तो चलो अब इस टायर को लगाते हैं अपनी ब्लू में। ओए ओए ओके तो फाइनली डिनर वगैरह हो चुका है, अभी बज रहे रात के 11। अभी करता हूँ अपना वीडियो एडिट। आज मेरा पूरा रेस्ट डे था, आज मैंने घर में बैठ के सारे अपने डिजिटल काम थे वो सारे निपटाए। तो दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं कि MTB रेस जो हम करा रहे हैं नेक्स्ट महीने 7 तारीख को, उसका रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मात्र 300 रुपये का फॉर्म है, आप वो फिल करके उस रेस में जरूर पार्टिसिपेट करना प्लीज। एंड कुछ लोग ये बोल रहे थे कि विमेन के लिए फ्री क्यों है, यहाँ पे क्यों इतनी ज्यादा पार्शियलिटी हो रही है, जेंडर इक्वालिटी कहाँ गई आपकी। तो भैया देखो देहरादून में विमेन पार्टिसिपेशन इज जीरो, काइंड ऑफ जीरो। अगर 100 लड़कियां हैं उसमें सिर्फ 1 लड़की साइकिल चलाती है एज अ रेसर। तो भैया अगर फ्री रखेंगे तो जो साइकिल नहीं भी करता वो लड़कियां भी आएंगी, एटलीस्ट कम्युनिटी ग्रो होगी, लड़कियों को इसमें स्कोप दिखेगा, लड़कियां भी राइड करेंगी। सिर्फ यही रीजन है, हम बेवकूफ तो है नहीं कि हम लोग ऐसा फ्री कर देंगे, कुछ रीजन तो होगा ना, इसीलिए हमने विमेन के लिए फ्री रखा हुआ है क्योंकि विमेन का पार्टिसिपेशन वैसे नहीं होता, तो हम चाहते हैं कि और पार्टिसिपेशन हो। ऐसा भी नहीं है कि अब विमेन के लिए फ्री रखा है तो उनके लिए विनिंग प्राइज नहीं है, उनके लिए विनिंग प्राइज भी है। तो भैया पार्टिसिपेट करो, मजे लो यार, इट्स नॉट अबाउट विनिंग, इट्स ऑल अबाउट द पार्टिसिपेशन। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद मोर फन एंड मोर एडवेंचर्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, राइट से पीस आउट।